कि वट इज एजुकेशन आप बोल रहे हो कि एजुकेशन बोरिंग है, है ना तो वट इज स्टडी वट इज एजुकेशन सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ एजुकेशन का मतलब यही नहीं है जो आप बुक से पढ़ते हो और लर्न करते हो है ना एजुकेशन का मतलब होता है सीखना तो जब

व्हाट इज़ स्टडी व्हाट इज एजुकेशन सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ एजुकेशन का मतलब यही नहीं है जो आप बुक से पढ़ते हो और लर्न करते हो है ना एजुकेशन का मतलब होता है सीखना तो जब आप छोटे बेबी होते हो हम सब तो हम जब सीखते हैं ब्रश करना हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ता है है ना जब हमें एफर्ट हमारा मन नहीं करता छोटा बेबी हमेशा अवॉइड करता है कि मेरे को ब्रश नहीं नहीं, नहीं मम्मा मैंने ब्रश नहीं करना रोते हैं ना मैं मोक्षित देखो रोता है ना कि मैंने ब्रश नहीं करना मम्मा यू ट्यूब सम टाइम यू ब्रश डे है ना you, हाँ यू ब्रश टवाई से डे तो पहले जब ये छोटा बेबी था तो ये क्या करते थे कि मेरे को क्या होता है कि हमें ब्रश करने में मतलब कि कितना एफर्ट लगाना लगता है पड़ता है, है ना तो ऐसे ही क्या होता है कि हमें जो चीज़ें सीखते हैं हम एजुकेशन का मतलब है सीखना हमने ब्रश करना सीखना मतलब ब्रश की हमने एजुकेशन ली कि कैसे करते हैं है ना हमें कैसे नहाना है कैसे धोना है इट सारी चीज़ें ये किस में आती हैं एजुकेशन में कि जो भी चीज़ हमें एनिमल से इंसान बनाती है बिकॉज़ एनिमल जो क्रिएचर है ना वो सीख नहीं सकता उसको सिर्फ सर्वाइवल के लिए क्या मेरे को खाना चाहिए खाना मिल जाए मेरे को और जो उसको बेसिक नीड है उसकी सर्वाइवल के लिए वो अगर उसकी पूरी हो जाए तो वो खुश रहता है उसको कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम इंसान हमें हम भी पैदा जानवरों की तरह होते हैं जब हम बोन होते हैं तो हम भी एनिमल होते हैं लेकिन हमें एनिमल से ह्यूमन बनाती है एजुकेशन एजुकेशन नोट जो आप स्टडी करते हो ये ये नहीं सारी चीजें जो हम सीखते हैं सीख सीख के सीख सीख, सीख के हम कि कौन बेटर चीज करता है कौन चीज़ कैसे करता है दूसरे लोगों को हम कॉपी कर लेते हैं ना जैसे कि कोई बेटर चीज करता है जैसे मैं ब्रश कर रहा हूँ तो अवलीन ब्रश करते देखती मेरे को कैसे करते हैं तो वो सीख लेते हैं है ना तो ऐसे हम जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखते हैं वो एजुकेशन इट कोल्ड एजुकेशन नंबर वन नंबर टू अभी आपका ये क्वेश्चन है कि बोरिंग क्यों होती है एजुकेशन है ना मन नहीं लगता मन नहीं लगता पढ़ाई में दैट इज अनदर डिफरेंट टॉपिक इस पर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे ये बहुत डीप टॉपिक है कि पहले इसके इसको जानने के लिए फिर हमने बोला कि मन नहीं लगता स्टडी में तो मन का एक अलग टॉपिक है कि मन एक्चुअल में है क्या और क्यों नहीं लगता ये स्टडी में ठीक है अभी मोटा मोटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मन क्यों नहीं लगता स्टडी में एजुकेशन बोरिंग क्यों लगती है क्यों नहीं लग क्यों बोरिंग लगती है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम जब पैदा होते हैं तो सेम लाइक अदर क्रिएचर हम भी एनिमल की तरह पैदा होते हैं हमारी भी बेसिक नीड्स क्या हैं कि मुझे को खाना दे दो बोन होते हैं, हम लोग रोते हैं आ, 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 खाना दो दू दो है ना उसके बाद सुसुपोटी बोई जो आया उसको बायोलॉजिकल नीड्स जो भी हैं उसको वो उसकी फुलफिल करने के लिए वो रोता है सेम लाइक अदर एनिमल्स ओके अभी हमें क्या होता है जो हमारा मन है मन कह लो चाहे हमारी बॉडी है वो एनिमल की तरह पैदा हुई तो जब हम एजुकेट होते हैं तो हम एनिमल एनिमल से कन्वर्ट होते हैं जहाँ बोल सकते हैं कि ग्रोथ करते हैं एनिमल से ह्यूमन की तरफ इंसान बनते हैं हम तो जब हम इंसान बनने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो एनिमल माला बिहेवियर है उस उसमें जाके चोट लगती है कि यार ये तो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है ये तो अगर एजुकेट हो गया तो मेरे को तो ये ख़त्म कर देगा लाइक फिर एनिमल जैसे बिहेव तो हम करेंगे नहीं मेरे को ये भी दो खाना आम आम हम ऐसे दो ये भी दो मेरे को ये भी करना वो भी करना ऐसे तो हम फिर करेंगे नहीं ये एजुकेट हो जाएगा तो ये अपने आप को ग्रो कर लेगा लाइफ में इंसानों के जैसे बिहेव करेगा इंसानों के जैसे मतलब ग्रो अप कर लिया तो समझ आ जाएगी इसको कि क्या सही है और क्या गलत है पर मैं तो हूँ एनिमल मेरे को तो ये चीज़ सीखनी नहीं कि क्या सही है क्या गलत है तो इसलिए वो जो हमारी ईगो होती है वो बीच में आ जाती है कि इसको एजुकेट होने के मत देना इसको बोरिंग लगाना शुरू कर देना तो इसलिए हमारे माइंड में ये थॉट आता कि ये बोरिंग है लेट्स गो फॉर मोबाइल है ना कि मोबाइल देखते हैं ऐसे ऐसे हा 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 हाँ वीडियोज़ लाफिंग ये है ना गंदमंद भैया की वीडियोस देखते हो ना आप लोग हाँ तो ये क्यों कौन बोलता वो हमें हमारा एनिमल वाला मन बोलो चाहे हमारा जो डीप इन रूट संस्कार है हमारे पुराने जन्मों के कहले चाहे जो हमारा हम पैदा होते हैं कुदरत में नेचर में तो एज ए एनिमल ही होते हैं ठीक है तो एजुकेशन हमें एनिमल से ह्यूमन बनाती है तो इसलिए एजुकेशन मस्ट है नॉट स्टडी एजुकेशन मीन सीखना कि बट इज़ बेटर जो आप हम अभी कर रहे हैं इससे और बेटर क्या हो सकता है ठीक है ग्रोथ करना इट कोल्ड एजुकेशन ठीक है तो उसको फोकस रख के अभी जब भी कभी भी आपका मन बोरिंग लगे स्टडी आपको तो यू हैव टू थिंक कि देखो मेरा मन यू आपको बोर लग रहा है ना अपने मन मन को बोलना है कि मैं नहीं छोड़ूंगा बुक मैं पढ़ूंगा आपकी मर्जी है आपको बोर लगना लगो मन को बोलना है ठीक है कि नहीं मेरे को मन मैं अच्छा आ, बोरिंग लग रहा है मैं बताता हूँ तेरे को चल तो मैं तो तेरे को आपको परमिशन दूंगा ही नहीं मन को मैं तो पढ़ता रहूँगा देखता हूँ तुम क्या करता है ऐसे अपने मन को अलग समझना है ठीक है अपने आप से और आपने उसको कंट्रोल करना है तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा मन है वो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है लेकिन अगर हम मन को समझ जाते हैं क्या है मन कैसे काम करता है तो वो ही हमारा सबसे बड़ा बेनिफिशर और हमारा दोस्त बनता है ठीक है इसको ऐसे भी बोलते हैं कि अगर मन हमारा मालिक है तो सबसे गंदा मालिक है लेकिन अगर मन हमारा ग़ुलाम है तो सबसे अच्छा नौकर भी हमारा मन नहीं है तो हमारे लिए काम करता है ठीक है तो इसलिए भी जब भी एजुकेशन के बारे में कोई आए कि मेरे को बोरिंग लग रहा है या सीखने में नहीं आ रहा तो सीधा आपको क्या टेंशन जानी चाहिए कि ये जो एनिमल है ना मेरे अंदर बैठा हुआ वो बोल रहा है कि ये बोरिंग है ताकि मैं कहीं मेरा अहंकार टूट ना जाए मैं मर ना जाऊँ एनिमल ये कहीं इंसान ना बन जाए जानवर ही रहने दो इसको ठीक है Got my point?